सबका अपना परिवार मस्त क्लासेस में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। आज के इस वीडियोस में मैं आप सबको कक्षा 10 जीव विज्ञान लेसन 3 परिवहन का ये पार्ट 4 है परिवहन का। इससे पहले मैंने 3 वीडियो अपलोड किया है, अगर अभी तक आपने वाच ना किया हो तो उसे भी वाच कर लें। आइए इस वीडियो में मैं आप सबको उन सब क्वेश्चनों से रूबरू कराता हूँ जो बार बार आपके एग्जाम में पूछते हैं। देखिए आपके सामने क्वेश्चन है कि धमनी और शिरा में क्या अंतर है, तो देखिए इसका जवाब हम कैसे लिखेंगे मैं बताता हूँ। धमनी और शिरा में निम्नलिखित अंतर है, पहला हो गया एक तरफ धमनी और एक तरफ शिरा। देखिए धमनी जो है यह शुद्ध रक्त को हृदय के शरीर के विभिन्न भागों में ले जाता है, शुद्ध रक्त को हृदय के शरीर के विभिन्न भागों में ले जाता है। शिरा जो है यह अशुद्ध रक्त को विभिन्न अंगों से हृदय की ओर लाता है, जस्ट इसका विपरीत काम करता है। ओके, धमनी की दीवारें जो होती है मोटी होती है, ठीक है, और शिरा की दीवार जो है धमनी की अपेक्षा पतली होती है। अब आगे देखिए तीसरा, फुफ्फुस धमनी जो है ना अशुद्ध रक्त को फेफड़ों से हृदय में ले जाती है, आप फुफ्फुस शिरा अशुद्ध रक्त को फेफड़े से हृदय में ले आती है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कि लसिका क्या है, तो लसिका के बारे में आइए मैं बताता हूँ। लसिका जो है रक्त जब कोशिका में प्रवाहित होता है तो रक्त प्लाज्मा का कुछ भाग कोशिका के दीवार से विसरण के द्वारा उत्तक की कोशिकाओं के बीच स्थित स्थानों में पहुँच जाता है। इस विसरण के समय रक्त के श्वेत कोशिकाएँ जो है लचीली होने के कारण कोशिका की दीवारों को छेदकर निकलने हुए रक्त प्लाज्मा में आ जाती है। उत्तक कोशिकाओं के बीच स्थित इसी WBC को यानी कि व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल सहित रक्त प्लाज्मा को उत्तक द्रव या लसिका या लिम्फ कहते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले क्वेश्चन की ओर कि रक्त पटिकाणु का क्या महत्व है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए रक्त पटिकाणु का मानव शरीर में किसी भी कटे हुए भाग में एक झिल्ली द्वारा परत बनाकर रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है, यही रक्त पटिकाणु का, इसको प्लेटलेट्स भी कहते हैं ना, थक्का बनाता है। ममेलिया वर्ग के जंतु में 4 विषम पाए जाते हैं, मैंने पहले भी बताया, एक का नाम बायालिन, दायानलिन और बायानीले और दायानीले, इसे याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए परीक्षा में क्वेश्चन पूछता है कि साइनोओलिकर नोड, जिसको शॉर्ट रूप में ऐसे नोड या पेसमेकर कहते हैं, ये क्या है, तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है 2 नंबर का, कि हृदय की धड़कन का तालबद्ध संकुंचन यानी एक ताल के अनुसार, जैसे ढोलक बजता है ताल के अनुसार, उसी का संकुंचन एवं एक विशेष प्रकार के तंत्रिका ऊतक के द्वारा होता है, जिसे हम साइनोओलिकर नोड या ऐसे नोड या पेसमेकर कहते हैं। ओके चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे कि रक्त के द्विगुण परिवहन से आप क्या सकते हैं, द्विगुण परिवहन के बारे में बताना है। तो परिवहन का एक चक्कर पूरा करने में रक्त हृदय से होकर 2 बार गुजरता है, क्या होता है, 2 बार गुजरता है, तो इस प्रकार का रक्त परिवहन द्विगुण परिवहन कहलाता है। ओके अब देखिए हृदय चक्र क्या है, इसके बारे में आइए बताता हूँ। हृदय चक्र रक्त परिवहन का एक चक्र अर्थात हृदय में रक्त का भरना तथा फिर उसका बाहर निकलना हृदय चक्र कहलाता है, ठीक है ना। रक्त परिवहन का एक चक्र यानी हृदय में रक्त का भरना और उसका बाहर निकलना हृदय चक्र कहलाता है, ठीक है। अब देखिए रक्त परिसंचरण के लिए शरीर में कितनी प्रकार की रक्त वाहिनियाँ होती है, तो इसका जवाब देखिए हम कैसे लिखेंगे। रक्त परिसंचरण के लिए शरीर में 3 प्रकार की रक्त वाहिनियाँ होती हैं, जो धमनियाँ, रक्त कोशिकाएँ तथा शिराएँ पाई जाती हैं। अब देखिए रक्तचाप क्या है, जिसको ब्लड प्रेशर भी कहते हैं, महाधमनी एवं उनकी मुख्य शाखाओं में रक्त प्रवाह का दबाव रक्तचाप कहलाता है, ठीक है। अब देखिए इससे कुछ ऑब्जेक्टिव है, रक्त दाब, रक्त का दबाव सिस्टोलिक प्रेशर कहलाता है, रक्त का प्रसरण डायस्टोलिक प्रेशर कहलाता है। ओके, मनुष्य का सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है 120 mmHg होता है और मनुष्य का डायस्टोलिक प्रेशर 80 mmHg होता है, और एक स्वस्थ मनुष्य का जो रक्तचाप है ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg होना चाहिए, ठीक है। रक्तचाप जो होता है ब्लड प्रेशर को स्फिग्नोमैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है, सामान्य से अधिक जब रक्तचाप हो जाता है तो हाइपरटेंशन कहलाता है, ठीक है। अब देखिए हृदय के वेश्मों का संकुचन, जब हृदय सिकुड़ता है तो उसको सिस्टोल कहते हैं, और हृदय के वेश्मों का शिथिलन यानी जब फैलता है तो उसको डायस्टोल कहते हैं। सिस्टोल और डायस्टोल मिलकर हृदय की एक धड़कन कहलाता है, जब एक बार हृदय सिकुड़ता है और फैलता है तो एक धड़कन का निर्माण होता है, ठीक है। अब देखिए पूछता है कि प्लाज्मा क्या है, तो प्लाज्मा देखिए हल्के पीले रंग का एक चिपचिपा द्रव है जो आयतन के हिसाब से पूरे रक्त का 55% होता है। ओके अब आगे देखिए क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन वाहक कहते हैं क्यों, तो हीमोग्लोबिन के एक अणु की क्षमता जो है ना ऑक्सीजन के 4 अणुओं से संयोजन की होती है, 4 अणु को संयोग करता है, इसके बीसी विलक्षण गुण के कारण हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का वाहक कहलाता है। ओके आयतन के हिसाब से रक्त कोशिकाएं कुल रक्त का 45% होता है ना, रक्त कोशिकाएं कितना होता है 45%। अब रक्त के घटक प्लाज्मा, लाल रक्त कोशिकाएं,
श्वेत रक्त कोशिकाएं तथा रक्त पटिकाणु है, तीन चीज होते हैं आरबीसी डब्ल्यूबीसी और रक्त पटिकाणु। चाली नलिकाएं फलोएम में पाई जाती है। तो इस तरह से आपका बायोलॉजी लेसन 3 जो था परिमाण समाप्त हो गया। 4 पार्ट में है ये आपका पूरा, आप चारों पार्ट को देखकर इसका नोट्स तैयार कर सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और अगर पहली बार हमारे चैनल मस्त क्लासेस पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन भी क्लिक करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फिर मिलते हैं इसी तरह के शानदार वीडियो के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद फ्रेंड्स, टाटा बाय बाय।